गुजरात में भूपेंद्र भाई पटेल ने 16 मंत्रियों के साथ शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में एक तरफ भूपेंद्र भाई शपथ ले रहे थे तो दूसरी ओर नरेंद्र भाई यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कद्दावर नेता मंच पर थे। देखा जाए तो गुजरात में बीजेपी ने सभी समीकरणों को साधने का प्रयास किया है और इसीलिए यह तैयारी 2024 की ओर आगे बढ़ने की बताई जा रही है। तो गुजरात में जो शपथ हुई है उसमें जिस तरह से मंच नजर आया, जिस तरह से नेताओं की भाव भंगिमाएं नजर आईं और जिस तरह कार्यकर्ताओं का उत्साह नजर आया, ये 2022 की ऐतिहासिक जीत तो है ही, लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के साथ भविष्य में जो 2023 के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं अलग अलग राज्यों के, या 2024 की रणनीति कि गुजरात की एक बार फिर से सभी लोकसभा सीटें और एक नया इतिहास, एक नया कीर्तिमान जो 2024 में बीजेपी का लक्ष्य है कि अब की बार 300 पार, उसकी तरफ बढ़ने की एक रणनीति और एक प्रयास के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हूँ भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। हूँ श्रीमती भानुबेन मनोहरभाई बाबरिया। हूँ कुंवरजीभाई मोहनभाई बावळिया। ईश्वरना नामे सौगंध लऊं छूं के गुजरात में 27 साल की सत्ता को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर सारे समीकरणों को साधने की कोशिश के साथ महामंच तैयार है। इस मंच पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश भर से आए बीजेपी के कद्दावर नेताओं की मौजूदगी में भूपेंद्र भाई पटेल और उनकी टीम एक एक कर शपथ ले रहे हैं। ईश्वरना नामे सौगंध लऊं छूं के इस मंच से मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के साथ साथ 16 मंत्रियों ने भी शपथ ली। आयर गोड़ूभाई हरदासभाई बेरा। हूं डॉक्टर कुबेरभाई मनसुखभाई डिंडोर। जिनमें आज कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री और 6 राज्य मंत्री शामिल हैं। राजनीति के मुताबिक भूपेंद्र भाई के मंत्रिमंडल में सभी समीकरणों को साधा गया है, जिनमें जातिगत समीकरण के साथ साथ युवा और अनुभवी चेहरों को शामिल किया गया है। जातिगत समीकरण साधते हुए पाटीदार, ओबीसी, आदिवासी, कोली समाज, जैन समाज और ठाकुर समाज से विधायकों को सरकार में जगह दी गई है। इनमें भीखू सिंह परमार और जगदीश पांचाल ओबीसी समाज से आते हैं, मुकेश पटेल कोली समाज से आते हैं, कुबेर डिंडोर आदिवासी समाज से हैं, वो संत रामपुर सीट से 15,000 वोटों से जीते थे, मुलू भाई बेरा अहिर समाज से हैं, साथ ही आपके सीएम कैंडिडेट को भी हराने से उनका कद बढ़ा है, हर्ष सांगवी जैन समाज से हैं और पिछली सरकार में भी वो गृह राज्य मंत्री रहे हैं, उन्हें पार्टी का युवा चेहरा भी माना जाता है। भीखू सिंह परमार ठाकुर समाज से आते हैं, उन्हें पहली बार मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। हूँ श्रीमती भानुबेन मनोहरभाई बाबरिया। जबकि महिलाओं को ध्यान में रखते हुए भानुबेन बाबरिया को कैबिनेट में जगह दी गई है, वो दलित समाज से आती हैं। कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुए विधायकों को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई। चुनाव मैदान में इन्होंने कांग्रेस को कमजोर करने में अहम भूमिका निभाई थी। इनमें कुंवर जी हलपति कांग्रेस से बीजेपी में आए, मांडवी सीट से पहली बार मंत्री, कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी का कमल खिलाया। कुंवर जी बावलिया 2018 जसदन सीट से रूपाणी सरकार में मंत्री, 2017 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। मंत्रिमंडल में कांग्रेस के बागियों को जगह दी गई तो वहीं सबको साधने के लिए जातिगत समीकरणों को भी साधा गया, तो वहीं महिलाओं को भी इस मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इस बीच युवा चेहरों और अनुभवी पूर्व मंत्रियों को जगह देकर भूपेंद्र भाई की टीम में बीजेपी की भावी पीढ़ी को सरकार चलाने के गुर सिखाने की भी कोशिश की जाएगी। अनुभवी चेहरों में पुरुषोत्तम सोलंकी जो कि कोली समाज से आते हैं, भावनगर रूपाणी सरकार में मंत्री, 6 बार की विधायक रह चुके हैं, भाई हीरा सोलंकी भी विधायक हैं। बच्चू भाई खाबर ये देवगढ़ बरिया से 4थी बार जीते हैं और रूपाणी सरकार में रहे। गुजरात में नरेंद्र मोदी जी के लिए या अमित शाह जी के लिए कोई चैलेंज ऐसा नहीं था, बल्कि मुझे लगता है कि चेष्टा की गई है, भरपूर चेष्टा की गई है, नए चेहरों को काफी लाने की कोशिश की गई है। सितंबर 2021 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने
उपेंद्र भाई पटेल की 2.0 टीम आज से ही गुजरात में कामकाज संभाल चुकी है। अंकुर त्यागी और विशाल ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।